बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हुए, उसका नतीजा भी आया और वह जदयू के खाते में चला गया। चुनाव हुई, जुबानी जंग भी हुए, लेकिन अब जो है पोस्टर वार शुरू हो गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगा है। हालांकि यहां किसी निवेदक का नहीं नाम है कि किसने यह इस पोस्टर को लगाया है, लेकिन इस पोस्टर से यही दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है आप हमारे हैं कौन, सीधे सवाल पूछा जा रहा है इस पोस्टर के माध्यम से, जहां पे नकली अर्जुन का मछली की आंख से चुका निशाना, यानी जो अर्जुन है ये नकली है, वही नकली कृष्ण ने धरा मौन। जनता ने उपचुनाव में लालू से पूछा आप हमारे हैं कौन, यानी काफ़ी व्यंग दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से इस पोस्टर को लेकर, उपचुनाव को लेकर। यहाँ तक भी जो कृष्ण को दर्शाया गया है उनका साफ तौर से यहाँ पे दिखाया गया है, अहंकार से मुक्त होकर देखो पार्थ, यानी कृष्ण इस पोस्टर के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं कि अहंकार से मुक्त होकर देखो पार्थ। और जहाँ तक अर्जुन हैं, जो अर्जुन जो निशाने लगा रहे हैं मछली के निशान पे, तो ये कह रहे हैं हमको तो मछली दिख ही नहीं रहा वासुदेव। यानी क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में आप इस पोस्टर से जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा जिस तरह से इस पोस्टर को लेकर बातें कही जा रही है और किनके द्वारा बातें कही जा रही है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो इस पोस्टर ने जो बातें खुलकर सामने आ रही है कि राजद की करारी हार को लेकर काफ़ी तंज कसा जा रहा है, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे राजद की तरफ से कि हम दोनों सीट जीत रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जो भी अर्जुन और कृष्ण बताया जाता है वो सभी लोग नकली हैं, किसी काम के नहीं हैं। और जनता भी पूछ रही है, यहाँ पे जनता भी बैठाए गए हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि आप हमारे हैं कौन, यानी कृष्ण अर्जुन यहाँ दिखाए गए हैं, इनसे भी सवाल है कि आप हमारे हैं कौन। यानी एक तरफ से कहा जाए कि जो इस पोस्टर के माध्यम से जो सारी बातें कही जा रही है वह राजद को लेकर ही कही जा रही है, लेकिन इस पोस्टर को किसने लगाया अभी तक इसी का निवेदक का नाम नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है वह एक तरह से बताया जाए कि राजद ने जिस तरह से चुनाव हारे हैं उससे लेकर यह पोस्टर लगाई गई है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।